ट्रेड बरुल स्वागत करता है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आपको जो प्रॉफिट है वो तो होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी लॉस की स्थिति आएगी या तो वो नहीं होगी या फिर ना के बराबर होगी। पहला पार्ट जिसमें हम जानेंगे स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है एंड क्यों ये जो है 100% प्रॉफिटेबल रहती है। दूसरे में हम इसका लाइव जो है ट्रेडिंग का एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट पे, वहाँ पे हम कई सारे एग्जांपल देखेंगे कैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, एंड मार्केट अगर जिगजैग है तो उस स्थिति में भी कैसे स्ट्रेटेजी आपको देगा पूरा 100% प्रॉफिट। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपये लगाए और ये ऊपर गया, आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ये परसेंटेज में अराउंड 20% था, आपको बहुत अच्छी जैकपॉट लग गई एंड आपने यहाँ पे 1,20,000 बना लिए, बट ये आपके सामने यहाँ 20 पॉइंट और ऊपर चला गया, बट क्या है आप तो यहाँ पे पूरी एग्जिट मार चुके हैं, यानी आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मार्केट आपके सामने यहाँ यहाँ अगले लेवल तक जा रही है बट आपको जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दोस्तों इन जनरल क्या होता है, जो हमारी एंट्री रहती है वो मान लीजिए इस कैंडल पे हमने एंट्री ली एंड जो हमारा यहाँ पे रिवार्ड है ये मान लीजिए 20 पॉइंट है, एंड जो हमारा रिस्क है जो अगर ट्रेड अपोजिट दिशा में जाती है तो हमारा जो रिस्क है वो मान लीजिए 10 पॉइंट का है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो कितना है 10:20 या हम कह सकते हैं 1:2, ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है एटलीस्ट हमारा इससे ऊपर होना चाहिए। इन जनरल क्या होता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर हमें अच्छा जो है यहाँ पे टारगेट मिलता है तो हम यहाँ बुक कर लेते हैं, बट इसको क्या रहता है मार्केट यहाँ रुकती नहीं, यहाँ के बाद थोड़ा सा आया फिर ऊपर जाने लगी, थोड़ा नीचे आया ऊपर जाने लगी, बट क्या है। तो दोस्तों इन जनरल क्या होता है, हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग यहाँ होगा एंड जो रिवार्ड है हमारा वो दोगुना, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 20 पॉइंट पे है, बट क्या होता है जैसे यहाँ पे आएगा आप क्या करेंगे अपनी सारी पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, बट मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर जाता है तो क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर हम इसका कैलकुलेशन करें जनरल, इन जनरल जो रहता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 70%, यानी कि अगर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है एंड जो आपकी विन रेशियो है अगर वो 50% से ज़्यादा है तो जो इन जनरल जो आपको सक्सेस मिलेगा वो सिर्फ 70% ही मिलेगा, बट हम यहाँ पर 70 नहीं, हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 100 मिले। तो जो ये सिंपल प्रोसेस है ये जो मार्केट के अप ट्रेंड को है उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा हमें जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं, जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया वो मान लीजिए हम स्ट्रेटजी में चेंज कर रहे हैं कैसे, मान लीजिए जो यहाँ पे आपने ख़रीदा, मान लीजिए जो है 100 शेयर आपने यहाँ पे ख़रीद लिए, मार्केट ऊपर गया, आप क्या करेंगे जो ये लेवल है जो हम अभी आगे चल के डिफाइन करेंगे, आप यहाँ क्या करेंगे 100 क्वांटिटी जो है वो और प्लस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है आपका अभी तक क्या था 10 था, लेकिन क्यों, क्योंकि आप क्वांटिटी डबल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे स्टॉप लॉस कर देंगे यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आपका बचेगा सिर्फ 5 पॉइंट का। मार्केट अगर नीचे आती है, ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले केस में, जब मार्केट ऊपर जा रहा है एक पर्टिकुलर लेवल को टच कर रहा है और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है तो उस केस में आपको कितना प्रॉफिट होगा उसका देखते हैं। पहली क्वांटिटी थी आपने उसमें कितना हुआ 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, बट वो घट के कितना हो गया, जो अब नया लेवल है वो उसमें आपको हो रहा है 15 पॉइंट का प्रॉफिट, बट जो ये दूसरी क्वांटिटी जो आपने ख़रीदा था उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें प्रॉफिट नहीं हो के आपको हो रहा है क्या लॉस, कितने लॉस हो रहा है आपको 5 का लॉस हो रहा है, यानी ओवरऑल इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ये है सिनेरियो 1। बट मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आई और आपने दूसरा ऑर्डर खरीद लिया बट ये थोड़ा सा नीचे आया और फिर वो चला गया तीसरे लेवल पे, यहाँ पे आप तीसरे लेवल पे जाके आपने क्या किया फिर से एक क्वांटिटी ऐड कर ली 100। अब मान के चलिए यहाँ पे फिर से आपका स्टॉप लॉस क्या हो, जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था ये हट के अब क्या हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 5 पॉइंट नीचे, ठीक है, 5 पॉइंट नीचे होगा, मान के चलिए ये यहाँ से नीचे आ जाता, इस केस में आपका कितना प्रॉफिट होगा, ये है सिनेरियो 1 और ये है सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में क्या होगा 20+20 जो ये वाला है ये भी 20 है, तो पहली ओरिजिनल क्वांटिटी में जो फर्स्ट क्वांटिटी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ
40 थी, 5 यहाँ नेगेटिव हो गया, तो पहली क्वांटिटी में हुआ हमको 35 का प्रॉफिट। दूसरी क्वांटिटी में भी कितना होगा, ये जो ये वाला गैप है ये कितना है, 15 है, तो इसमें जो हमें प्रॉफिट हो रहा है 15 हो रहा है, बट क्योंकि आपने तीसरी क्वांटिटी खरीदी थी और वो 5 पॉइंट नीचे आ गया, तो इसमें आपको कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 35 प्लस 15 कितने हो जाते, 50 माइनस 5, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, +45। सिमिलरली हम कर सकते हैं डाउन साइड की मार्केट को, जब ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी तो हम उसी हिसाब से इसको कैस्केड करते जाएंगे, जो क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको चार्ट पे हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये चार्ट है SBI का, ये 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है दोस्तों इसका है 5 मिनट, और यहाँ पे जो RSI है हमने लगा रखा 40 और 60 पे, यानी कि जब ये रेड यानी कि 60 से ऊपर होगा तभी हमको ट्रेड लेनी है ऊपर की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ही हमको ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ। दूसरा हम इसमें क्या जो चेंज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे जो पिछले दिन का जो हाई और लो था उसमें हम लगा लेते हैं क्या, जो फिबोनाची का जो लेवल रहता है, हमने यहाँ पे देखा जो ये है इसका लो एंड जो ये है इसका हाई, वहाँ से हमको मिला और हमने उसको वहाँ पे जो दिन का लो है वहाँ इसको लगा दिया। फिर से बता देता हूँ दोस्तों हमने क्या किया है, जो प्रीवियस डे का लोअर हाई है उसको टॉप और बॉटम को प्लॉट किया है आज वाले ग्राफ, यानी हम देख रहे हैं मोटा मोटा तो 150 रुपये का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। अपने जो पहली कैंडल जैसे यहाँ ऊपर जा रही है आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, कितना 568.75, आपने यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी यहाँ पे आपने बाय कर दी, एंड जो स्टॉप लॉस होगा इन दोनों का हाफ, यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस था यहाँ था, क्योंकि आप देखेंगे बाल बाल बचा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ ओरिजिनल 100 क्वांटिटी ली, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका लेवल हो ब्रीच हो गया, यानी कि जो आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली थी फिर से यहाँ पे आपने क्या किया, +100 कर दिया, लगभग 20 पैसे के आसपास जो आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों यहाँ था, आप देखेंगे ये स्टॉप लॉस भी बच गया है बाल बाल, एंड क्योंकि अब इसके ऊपर जा रहा है तब क्या आपकी 100 क्वांटिटी ऐड होगी। बस दोस्तों यहाँ पे एक और जादू होता है, जो इसका 100% वाला लेवल था वो भी हो गया है दोस्तों यहाँ पे ब्रीच, बट आपको क्या करना है दोस्तों, एज यूजुअल आपको 100 क्वांटिटी फिर से ले लेनी है। फिर दोस्तों हम यहाँ गए, हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके ऊपर गया, फिर से आपके दोस्तों जो 100 क्वांटिटी थी ऐड आपने कर लिया। दोस्तों चलिए समझते हैं कितना हमको प्रॉफिट हुआ अगर हम यहाँ से निकलते हैं, तो जो पहला हमें जो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 20 + 20 + 15, यानी कि जो पहली ट्रेड है उस पर हमको प्रॉफिट हुआ 55 रुपये, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी। फिर जो दूसरी क्वांटिटी थी उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 20 + 15, यानी कि यहाँ पे हमको मिल गया 15 रुपये। जो तीसरी क्वांटिटी है दोस्तों उसमें क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे 100% वाले लेवल पे लिया था वो ऊपर गई बट फिर से नीचे आ गई, तो वहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जो लास्ट वाला बचा उसमें क्या दोस्तों, आपको एक्चुअली में लॉस हो गया 5 रुपये का। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमें कितना हुआ प्रॉफिट, पूरे जो 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, एंड जो अगर लॉस होता है कहीं भी होता है तो हम कितना दे रहे हैं, 5 से 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको जब नीचे की तरफ मार्केट होगी। सुबह लगभग 9:15 से लेकर 11:30 तक कोई ट्रेड ही नहीं थी दोस्तों, आपको बस क्या करना था, इंतज़ार करना था कि जब ये RSI नीचे से जाएगा मैं तभी एंट्री लूँगा। और हम यहाँ पे दोस्तों देखते हैं पहली बार जो क्या हुआ, 38 के लेवल को इसने इस वाले कैंडल पे जो है ये यहाँ पे ब्रेक किया, हम क्या करेंगे तुरंत जो है 100 क्वांटिटी सेल कर देंगे, नेगेटिव मतलब हमने यहाँ पे सेल कर दिया है इस वाले पर्टिकुलर लेवल पे, यानी जब इस लेवल को जब क्रॉस करके कैंडल नीचे आए तो हमारे यहाँ पे जो सेल ऑर्डर है वो लग चुका होगा। एंड जो इसकी जो रेंज है दोस्तों हम यहाँ पे देखें, ये भी 1.25 रुपीज़ आ रही है बन के, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाफ रहेगा, जो कि है जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा रहेगा 0.75, यानी इससे हम 0.75 जो भी आएगी वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और देखिए दोस्तों फिर क्या हुआ, जो अगला लेवल था उसको इसने फिर से ब्रीच कर दिया, यानी हम यहाँ पे फिर से जो है 100 क्वांटिटी हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फिर से जो 100% वाला था वो भी दोस्तों ब्रीच हो गया, एंड जो हम देखेंगे तीसरी क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे क्या कर दी दोस्तों, सेल कर दी। फिर दोस्तों यहाँ पे ट्रिगर हुआ, कैंडल क्या है उससे ऊपर नहीं जा पाई, रिट्रेस हुआ, आपका जो स्टॉप लॉस है लगभग यहाँ पे होगा। फिर दोस्तों ये नीचे आया, फिर से क्या हुआ, आपने एक और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी,
एंड जब यहाँ से ट्रिगर हुआ होगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है क्या होगा, यहाँ कहीं जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ फिर से 20 20 20 टोटल 60 पॉइंट है तो देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमको लगभग 15 पॉइंट ही मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 15, जैसा कि पिछले चार्ट में हमको दिख रहा था उसी प्रकार से इसमें भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो दोस्तों हम देख सकते हैं कितनी आसानी से। और इसकी खास बात क्या रहती है, आपको दिखेगा कि मार्केट वहीं से क्यों टर्न हो रही है। मार्केट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लिया और कैसे यहाँ से रिवर्स हुई है। जब आप अपने जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आप यहाँ बुक कर रहे हो कर चुके होंगे तब लोगों के स्टॉप लॉस लगेंगे और आप बहुत पहले ही वहाँ पर एग्जिट मार चुके होंगे। अगर वीडियो को मिलते हैं 1000 लाइक तो हम जो अगली वीडियो उसमें बताएंगे कैसे इस पूरे जो प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है एल्गो ट्रेडिंग से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।